कैसा लग रहा है? कुछ ठीक फील हो रहा है? अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, मन में धटका सा लगा रहता है। आप वही दवाई दे दीजिए, उससे हमें काफी अच्छा महसूस हुआ था। ठीक है, तो अंदर सारी एनर्जी दूसरों पे लुटा दोगे या हमारे लिए भी बचा के रखोगे? वैसे कुछ पेशेंट्स और हैं बाहर दवाई वाले। तुम्हारे लिए ना कुछ नहीं, तुम्हारा काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो। सब पुरानी महिला और खास करके ये मृदुला, ये वो बर्फ का कोई। सुनीता, टॉवल देना प्लीज। हाँ लाई। जल्दी लाई बाबा। ला। अरे दो। संजय को मुझे लेट हो रहा है। सुनीता समझा करो। सुनीता सुनीता देखो, आज आज पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, समझा करो, मुझे जल्दी जाना है। हर बार आपके पास कोई नया बहाना होता है नाशो, जल्दी जाना है, मूड नहीं है, थका हुआ हूँ वगैरह वगैरह। सच सच बताना आशु, कोई और मिल गई है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? वही बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। देखो हर एक चीज का ना वक्त होता है। दादा आप ठीक तो है ना? उदास लग रही है। कल सुबह कपड़े देकर चले जाना। आपका ये फॉर्म भर लेते हैं, इसमें हर एक कॉलम को फिल करना जरूरी है ताकि डॉक्टर साहब आपकी बीमारी को अच्छे से जान पाए और आपको एक बेहतर इलाज दे सके। जी मैडम। ठीक है, तो शादी को कितने साल हुए हैं आपके? यही कोई 4 साल। और पति साथ में रहते? नहीं, मेरे पति साथ में नहीं रहते, वो मर्चेंट नेवी में है। 6 महीने की छुट्टी पे कहीं 1 महीने पे आते हैं। ओके। बच्चे कितने हैं आपके? अभी तो मेरा कोई बच्चा नहीं है। पति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए कितना टाइम हो? क्या है, अपने पति को प्यार देना है और क्या है?
मेरी बात सुन, मुझे ना काम करना है, काम खत्म हो जाए प्लीज। मुझे तो प्यार करना है ना। काम है यार। सुनो, मुझे ना पेशेंट की अर्जेंट रिपोर्ट भेजनी है प्लीज। क्या प्रॉब्लम है आशु? पत्नी है हम, कब तक हमसे ऐसे ही दूर दूर रहेंगे आप? कब तक हमें ऐसे बार बार ठुकराते रहेंगे? आखिर पता तो चले प्रॉब्लम क्या है, नाराजगी क्या है हमसे। अरे कोई नाराजगी नहीं है, बस मूड नहीं है। कब मूड होगा आपका? Come on, सुनीता, फिर से शुरू मत हो जाना। शुरू तो आप हो चुके हैं, अब हमें करने का मन है तो हम क्या करें बताओ आप। मैं नहीं जानता, वीकेंड में देखते हैं। फोन तो लाओ मारा। पहले हमें ये बताओ, ये मृदुला है कौन? ये क्यों मिलना चाहती है आपसे?